Hello, today we study about active and passive voice. So first of all, we have to look what is active and what is passive voice. What is active voice? When the subject perform an action stated by verb are called active voice. इसका मतलब ये है कि जब कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. एग्जाम्पल में हमने देखा है शी टेक्स टी. इधर जो शी है वो लड़की है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो वो क्या कर रही है, टी को ले रही है. तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, एक्शन परफॉर्म कर रही है. और सब इसका मतलब जो शी है वो सब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. इसीलिए इधर जो ये शी टेक्स टी है ये एक्टिव फॉर्म में हमारा एक एग्जांपल है. अब हम बात करते हैं व्हाट इज पैसिव वॉइस. व्हेन द सब्जेक्ट डिड नॉट परफॉर्म एन एक्शन सो दो सेंटेंसेस आर पैसिव वॉइस. जब कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म ना करे तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं. एग्जांपल है टी इज टेकन बाय हर. इसका मतलब क्या है कि जो टी है वो उसके द्वारा ली गई है. टी उसके द्वारा ली गई है तो जो टी है इधर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट ने तो कोई काम नहीं करा, सब्जेक्ट ने तो कोई काम नहीं करा, तो इसीलिए ये पैसिव फॉर्म में है एग्जांपल. क्योंकि पैसिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं करता, और इस एग्जांपल में भी सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं करा, तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है वो पैसिव बेस्ड है. अब हम ये देखते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हम सबको पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता हम उन्हें पैसिव में नहीं चेंज कर सकते, और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है हम उन्हें पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है. और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है उनके साथ वर्ब होती है तो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. अब हम ये देखते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है वो तो पैसिव में चेंज हो सकते हैं, पर अब वो पैसिव में कैसे चेंज होते हैं तो हम वो इधर अब देखेंगे. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं वो सारे पैसिव में चेंज हो सकते हैं, पर जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है वो पैसिव में चेंज नहीं होता है. इस बात को आपने ध्यान में रखना है. अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट के रूल्स देखते हैं. सबसे पहले सिंपल का रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट. पर पैसिव में ये रूल बन जाता है सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब फिर कॉन्टीन्यूअस का देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें बन जाता है सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब परफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में इसका रूल बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो होता है वो पैसिव में नहीं बनता है. अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे पहले सिंपल का एग्जांपल देखेंगे, शी मेक्स मॉडल, उसने मॉडल बनाया. अब पैसिव में हम इनको कैसे चेंज करते हैं, जो एक्टिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. अब देखते हैं मॉडल एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, अब इधर पैसिव में आके वो सब्जेक्ट बन गया, और मॉडल सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ इज आया है. और हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है सिंपल में, तो हमने वैसा ही मेड बनाया है. और पैसिव में क्या लगता है, प्रेपोजिशन लगता है, ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन लगता है बाय हर, तो मॉडल इज़ मेड बाय हर. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ प्रेइंग गॉड, वो गॉड को प्रे कर रहा है. गॉड इज़ बीइंग प्रेड बाय हिम. अब इसमें क्या है, वही हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर हमने लगाया, रूल के हिसाब से हमने बीइंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, प्रेपोजिशन लगाया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया पैसिव में. अब दे हैव कॉल्ड द फिजिशियन, उन्होंने फिजिशियन को बुलाया. द फिजिशियन हैज़ इसलिए लगा क्योंकि प्रेजेंट है और बीइंग तो हमारा रूल के हिसाब से लगा, हैज़ बीन कॉल्ड बाय देम. तो आपको आई होप कि प्रेजेंट समझ में आ गया हो कि हम एक्टिव को कैसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म में. हम बात करते हैं पास्ट फॉर्म की.
पास्ट में क्या होता है, हम पास्ट के सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में इसका रूल बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बींग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव में नहीं बदलेगा। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल हैं, सबसे पहले हमने एक्टिव में बनाया शी वॉच टीवी, उसने टीवी देखा, पास्ट में है ना ये। और पैसिव में इसका क्या बनेगा, हाँ पहले हमें पता है टीवी वॉज वॉच्ड बाय हर। टीवी जो है वो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट बन गया। वॉज है इसलिए, क्योंकि वॉज क्यों आया, क्योंकि जो टीवी है वो सिंगुलर है और ये पास्ट में है इसलिए वॉज आया। वॉच्ड रूल के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाय प्रेपोजिशन लगेगा ऑब्जेक्ट के साथ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ही वॉज लर्निंग चैप्टर, वो चैप्टर को लर्न कर रहा था। चैप्टर वॉज बींग लर्नड बाय हिम, वही हमारा आ गया रूल के हिसाब से, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया कि चैप्टर वॉज बींग लर्नड बाय हिम और प्रेपोजिशन हमारी लगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक्टिव का, दे हैड रिटन लेटर, उन्होंने लेटर लिखे। लेटर हैड बीन रिटन बाय देम, अब इसमें जो लेटर है एक्टिव में वो सब ऑब्जेक्ट था पर इसमें सब्जेक्ट बन गया, और हैड बीन रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाय प्रेपोजिशन आ गया ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर में हमारे जो हैं रूल्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर के रूल्स देख लेते हैं सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हमें पता है, हम मैंने आपको ये बताया था कि इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो है वो पैसिव नहीं बनता, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता फ्यूचर में, बाकी पास्ट और परफेक्ट में तो बनता है पर फ्यूचर में नहीं बनता। फ्यूचर में सिर्फ सिंपल और फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट ही बनता है पैसिव में। अब परफेक्ट में हम देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी शैल टेक द क्लास विल बी टेकन बाय अस, रूल के हिसाब से हमने ये बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगा दिया और प्रेपोजिशन भी हमने लगाई। आई शैल हैव ब्रोकन द ग्लास, आई शैल हैव ब्रोकन द ग्लास, मैंने ग्लास तोड़ा होगा, इसका हिंदी ये बनता है। और पैसिव में हम लिखेंगे द ग्लास विल हैव बीन ब्रोकन बाय मी, जो ग्लास है वो मेरे द्वारा टूट गया होगा। ठीक है, अब इसमें बाय प्रेपोजिशन हमने लगाया क्योंकि पैसिव में हम इसको चेंज कर रहे हैं और रूल के हिसाब से हमने सारा कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो एक्टिव में आते हैं पर पैसिव में वही प्रोनाउंस जो हैं वो दूसरे उससे यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टिव में क्या होता है, आई वी यू ही शी इट दे रवि, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं पर एक्टिव में ये सारे हैं पर पैसिव में इनका क्या बन जाता है, आई की जगह मी बन जाता है। जैसे हमने देखा कि आई शैल हैव ब्रोकन द क्लास, पर अब पैसिव में आकर जो आई है वो सब्जेक्ट है पर पैसिव में आकर वो ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट में हमने आई नहीं बल्कि मी लगाया है, तो पैसिव में जो है ना ये क्या बन जाते हैं, पैसिव में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो वो इसमें बताए गए हैं। वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है, और किसी का अगर नेम आता है तो नेम तो सेम ही रहेगा। थैंक यू, दिस इज़ माई वीडियो।